अभी मैं एक बना रही हूँ, तो एक को मैंने बॉईल कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक बॉईल करके रखा हुआ है। और ये लहसुन है, प्याज है और टोमेटो है। टमाटर को कहते हैं एक्चुअली, टमाटर, प्याज एंड लहसुन। लहसुन को मैंने ऐसे ही मतलब बस छील के रखा हुआ है, और एक लहसुन ऐसे मैंने पूरा मतलब पूरा लेके रखा हुआ है। इसको मैं फ्राई करूंगी इसके साथ, एक के साथ। आज हम एक कड़ी बनाने वाले हैं, क्योंकि आज मेरी बेटी को बहुत मन था एक खाने का, कि मम्मा सुबह से ही बोल रही है मम्मा मुझे एक खाना है, एक खाना। तो मैंने सोचा आज एक बना ही देती हूँ उसके लिए। तो बस बनाने जा रही हूँ इसको। मैं पहले पहले क्या करूंगी, इसको मैं छीलूंगी। इसको पहले एक को मैं इसको छीलूंगी। छिलका उतार लीजिए, जितने एक है उनका पहले छिलका उतार लीजिए। उतारने के बाद फिर आगे मैं बताती हूँ कि कैसे करना हेलो मम्मी। एक कड़ी, एक कड़ी बना ली है, तो हम लोग सीधे भी बहुत सेलिब्रेट किए थे और फिर वापस घर आ गए। तो अभी कोने पे हम लोग हैं। अभी वो मम्मी तो बना लिया खाना, बना ली है एक अजीजी थी, वो तो दोनों पसंद है, और समोसा। अभी कौन एक के लिए बोल रहा था, फिर अभी कौन कह रहा था कि मुझे एक खानी है, एक खानी है। मम्मी तो पार्टी का वक्त करती है बस। नहीं, आशी आशी टेलिंग लाइक कर रही है, आशी झूठ बोल रही है। बिकॉज आशी सुबह से ही कह रही है मुझे एक कड़ी खाना है मम्मा, एक कड़ी वो खाना मैं है। एक कर खाना है। लो देख लो आप। तो बस इसको पहले इसका कवर उतार लूंगी, छील लूंगी, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर करूंगी। कटिंग करके प्याज है, ये टमाटर और ये गार्लिक को मैंने, लहसुन को मैंने ऐसे छील के लिया है। अभी मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है, अभी हम कढ़ाई फ्राई करेंगे एक को। मैं फर्स्ट एक को फ्राई करूँगी, इसके लिए फर्स्ट मैं ऑयल मैं सरसों ऑयल यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे सरसों का जो सरसों रिफाइंड सरसों ऑयल होता है मुझे बहुत ही पसंद है, और मुझे मनी अच्छा भी टेस्ट मिलेगा, भी आता है। और मुझे मनी भी मिलेगा, मम्मा देगी मुझे मनी। हाँ ऑफकोर्स, और हम लोग आई यूट्यूब पर है, और पापा तो यूट्यूब पर नहीं बनाते, ओनली दिमाग से खराब इनका। यूट्यूब चैनल पे बस चक्कर चक्कर देता है पापा, लेकिन पापा तो यहाँ पे पैदल होता है। तो मम्मा और मैं मनी मिलेगा, और हम लोग यूट्यूबर हैं, और हाँ हम लोग प्लीज बस मीटिंग करते प्लीज हैं हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। और सब्सक्राइब नहीं भूलना, और चैनल भी नहीं भूलना, चैनल नहीं भूलना है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, और आगे के लिए हमें इंकरेज करिए। लहसुन डालो, ये लहसुन आप ऐसे साबुत डाल के भी अच्छा टेस्ट आता है, और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको जुकाम है, काशी है, तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए मैं जरूर जब भी एक कड़ी बनाती हूँ, तो एक के साथ भी जरूर ट्राई करती हूँ लहसुन, जिससे कि बच्चे और हम थोड़ा बहुत सीखा कि उसके हमें जो भी प्रॉब्लम हो वो सही हो जाए। टेस्ट आता है, ज्यादा तेल का यूज मत करो, हल्के तेल में इसको फ्राई करो, इसको हम फ्राई कर देंगे पहले। फ्राई करने से क्या होता है ना कि टेस्ट अच्छा आता है। आप चाहो तो अच्छा भी डाल सकते हो, एक मतलब बॉइल किया हो एक आप डाल सकते हो ग्रेवी भी, बट मैं चाहूँगी फ्राई करती हूँ। फ्राई करने से जो अपने टेस्ट है वो अलग ही आते हैं। इसको आप ब्राउन कर लो, हल्का ब्राउन फ्राई करके।
ठीक है, आप चाहो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ज़्यादा ब्राउन चाहिए तो आप ज़्यादा ब्राउन करिए, हल्का चाहिए हल्का चाहिए, बट हम क्या है कि हल्का ही ब्राउन करते हैं, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करते हैं, वो आपका डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए। ये हल्का ब्राउन हो चुका है, तो ये आयर में मैंने जीरा डाल दिया है, जीरा का कर दिया थोड़ा सा हल्का सा, और फिर मैं इसमें इसको एकदम ब्राउन नहीं करना है, अभी मैंने लहसुन डाला है। ग्रेवी बनाने के लिए
तो जब टमाटर पकेगा नहीं, खड़ा रहेगा तो टेस्ट नहीं आता है और वो खड़े खड़े दिखते हैं। तो आप इसको पूरी अच्छे तरह से पूरे तरह से आप इसको पका लीजिए, उसके बाद वो आपके रेस्ट कर लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा संपन्न नहीं भी है तब भी आप सिंपल मसाला यूज करके भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चिकन मसाला यूज करते हो, एक मसाला यूज करते हो, तो और ज़्यादा से तेल करते हैं। खाने जा रही है ये आशी, आप बताइएगा कैसा बना है। अच्छा, अभी आशी टेस्ट करेगी कि कैसा मम्मा ने बनाया है इसके लिए। अभी बहुत ही हीट है, प्लीज देख। टेस्टी, यम्मी। चलो अच्छा है, कम से कम इसको यम्मी लगा। और आप भी बना के देखिए एक करी कैसा आपको टेस्ट होता है मम्मा का वो। और सिंपल तरीके से ये बन भी जाता है, जो आपके घर सामान है आप यूज करके बना सकते हैं इजीली। तो आशी को मैं अभी एक करी खिला रही हूँ।